बाकी अभी तक तो सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है मेरे हिसाब से. अच्छा खेल रहा है लव. अभी 2 ही दिन हुए हैं बिग बॉस स्टार्ट हुए और कंटेस्टेंट्स एक दूसरे को अच्छे से जाने बिना ही बात करके एक दूसरे को जान पाते हैं और वो चीज़ करे बिना ही लोग एक दूसरे को जज करते हैं. मुझे लाइक फर्स्ट इम्प्रेशन जो भी जिसका है वैसा बन जाता है. बट कुछ कंटेस्टेंट्स कुछ भी बोलते हैं, किसी भी टॉपिक को ले आते हैं लड़ने के लिए, कुछ भी कर जो जिस बात का कोई लॉजिक भी नहीं है वो चीज़ ले आएंगे लड़ने के लिए. हर कोई जीत नहीं आया ऑब्वियसली, कोई हारने के लिए तो नहीं गया होगा बिग बॉस में. तो चीज़ें इतना पर्सनल ले लेना, विच आई फेल्ट लाइक वॉज रॉन्ग. छोटी सी चीज पर इतनी बड़ी बात बनाने की कोई जरूरत नहीं थी. वो बस लव ने पैर रखा था और उनको बुरा लगा जो भी था, तो उसी टाइम लव ने माफी भी मांग ली कि आपको बुरा लगा था, आई एम सॉरी. लेकिन उस चीज को इतना पर्सनल लेके पूरे टाइम ड्रैग करते रहना और उसको इतना पर्सनल लड़ाई ले लेना इज नॉट रिक्वायर्ड. बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी उसको इतना घसीट देने की छोटी सी बात को. क्या कर सकते हैं. तो जैसे कि आपने देखा हुआ कि लव बटालिया की जो GF है उन्होंने इसके ऊपर अपनी बात रखी है. जी हाँ, उन्होंने ये बताया है कि इसमें लव कटारी की कोई भी गलती नहीं थी, बस उनसे थोड़ा गलत बात निकल गया था और उनके लिए उन्होंने माफी मांगा था. लेकिन जो लोग हैं उनको इस बात को लेकर उन्होंने पर्सनली इस बात को ले लिया और बार बार इस बात को लेकर टॉक करे जा रहे हैं लव कटारिया को. जी हाँ, जो कि मेरे को अनफेयर लगता है. जी हाँ, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो उनकी GF है आसना जान, उन्होंने यही बताया है. जी हाँ, वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपके इसमें सबसे ज्यादा बड़ी गलती किसकी है, लव कटारिया की है या फिर रणवीर की है, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हो. और ऐसे बिग बॉस OTT सीजन 3 के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना. तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो पर एक नए अपडेट के साथ. बाय.